हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? वेलकम टू अमूल लाइव रेसिपी शो। हाय, मैं हूं नूतन। आज हम किचन में करेंगे हेल्दी पाव भाजी। ये पाव भाजी बहुत ही अलग है और क्विक होने वाली है, और सबसे पहले ये हेल्दी है। सो गाइस, मैंने थोड़ा वेरिएशन किया है, तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। तो ये शो देखने के लिए, ये रेसिपी देखने के लिए आप प्लीज लगे रहिए। प्लीज जॉइन अस। हेलो एवरीवन, हाय ईश्वर जी। आज मैं किचन में बनाने वाली हूँ हेल्दी पाव भाजी। तो पाव भाजी बनाने के लिए मैंने लिया है यहाँ पे ये जो स्वीट पटैटो है, ये इजीली अवेलेबल होते हैं मार्केट में। ये स्वीट पटैटो लिए हैं मैंने, और ये रॉ बनाना है। इसमें से मैंने दो बॉईल करके स्किन रिमूव करके मैंने बॉईल करके स्नैश करके लिए हैं। तो ये बनाना का स्नैश मैंने बना के लिया है, और यह है स्वीट पोटैटो का स्मैश करके मैंने लिया है 2 पोटैटोज। हेलो एवरीवन, थैंक यू अमूल। गाइस प्लीज प्लीज जॉइन अस। यहाँ मैंने लिया है अमूल का बटर, सो वेरी टेस्टी। ये है मेरा लोगो, नूतन तेंदुलकर किचन। हेलो एवरीवन, प्लीज जॉइन अस, थैंक्स फॉर जॉइनिंग। गाइस आज हम बनाएंगे स्वीट पोटैटो एंड रॉ बनाना का पाव भाजी बनाएंगे आज हम। बहुत ही हेल्दी रेसिपी है ये। मैं वापस बता रही हूँ, मैंने यहाँ पर 2 स्वीट पोटैटो बॉईल करके स्मैश करके लिए हैं, और 2 बनाना मैंने लिए है रॉ बनाना, वो मैंने स्किन रिमूव करके बॉईल करके लिए है। ग्रीन पीस है, ये ग्रीन चटनी मीन्स अदरक लहसुन एंड पुदीना कोरिएंडर है। हाय संगीता जी, हाय उन्नति। एंड मैंने यहाँ लिया है चॉप्ड ओनियन। ये जो टोमेटो की प्यूरी है, ये प्यूरी मैंने 2 टोमेटो बॉईल करके प्यूरी बनाई है इसकी, मिक्सर इसमें ग्राइंड करके ली है। मैंने यहाँ लिया है पाव भाजी मसाला, जो इजीली अवेलेबल है मार्केट में। एंड मैंने यहाँ पर चिली पाउडर ली है, सॉल्ट लिया है, रॉक सॉल्ट है ये, और गार्निशिंग के लिए मैंने लिया है यहाँ पे कोरिएंडर। और बटर के बिना पाव भाजी बनाऊंगी नहीं मैं, बहुत टेस्टी बनाऊंगी। तो गाइस आप भी बनाइए और ऐसे ही लगे रहिए। अभी मैंने गैस टर्न ऑन किया है, तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइस, थैंक्स उन्नति। आपके जो भी सवाल रहेंगे आप मुझे पूछ सकते हैं, रेसिपी के दरम्यान मैं आपको बताऊंगी। ये बच्चों के लिए बहुत ही हेल्दी है। तो अभी मैं स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ मैंने लिया है एक पैन, मैं ले रही हूँ बटर,
मैं बटर एंड थोड़ा सा ऑयल लूँगी जो मैं एज यूजुअल खाने में यूज़ करती हूँ। गाइस आप सब कैसे हो? हाय अश्विनी जी, थैंक्स फॉर जॉइनिंग। देखिए अभी अपना बटर जो है वो अच्छी तरीके से गर्म हो गया है, तो अभी मैंने इसमें जो चॉप किया है ओनियन, बहुत हेल्दी रेसिपी है ये। गाइस प्लीज आप घर में बनाइए और स्टार्टिंग से देखिए, अगर आपको कुछ क्वेश्चंस रहेंगे आप पूछ सकते हैं। अभी इसको हम फ्राई करेंगे, इसको हम तब तक फ्राई करेंगे जब तक इसका कलर ना बदले। थैंक यू टू ऑल। देखिए बटर एंड ऑयल मैंने लिया था, पाव भाजी सबकी फेवरेट है ना, तो थोड़ा वेरिएशन एंड हेल्दी प्रोडक्ट्स अगर हमने यूज़ किए ना तो बच्चे भी आराम से खाते हैं, हैप्पीली खाते हैं। अक्सर मैं मेरे घर में पाव भाजी ऐसे ही बनाती हूँ, तो सोचा मैं आपके साथ शेयर करूं। थैंक यू अश्विनी जी। देखिए अभी ओनियन मस्त फ्राई हो रहा है, इसमें मैं ऐड कर रही हूं रेड चिली पाउडर। मैंने 3 स्पून ली है, ये देखो ये मैंने स्पून लिया है, और पाव भाजी का मसाला है वो मैं बाद में ऐड करूंगी। देखिए अभी कलर भी इसका चेंज हो रहा है, मैंने अभी ग्रीन पीस ऐड किए हैं। अभी मैंने हाय अनीता जी, ये बहुत ही टेस्टी ऐसे वेजिटेबल बनने वाली है। अभी ये जो मैंने लिया है स्वीट पोटैटो स्मैश करके मैंने 2 लिए हैं वो इसमें मैं ऐड कर रही हूँ। इसमें मैं ये जो ग्रीन चटनी है, अदरक लहसुन पुदीना एंड ग्रीन चिली, वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। मैं यहाँ पर ले रही हूँ टमाटो की प्यूरी जो मैंने बॉईल करके प्यूरी बनाई है, इसमें सॉल्ट नहीं है। 1 by 1 मैं ऐड करके जा रही हूँ। ग्रीन पीस अगर मैंने आपके इसके लिए रखे हैं, हाय अनीता जी, क्योंकि वो खाने के टाइम पे बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। इसमें पानी की मात्रा हमें कम यूज करनी है। देखिए मस्त ऐसे कलर आ गया है और खुशबू भी आ रही है।
अभी ये जो बॉईल करके मैंने बॉईल करके स्मैश किया है मैंने, ये बनाना है रॉ बनाना। मार्केट में ये दोनों चीज़ें अब इजीली अवेलेबल है। देखिए अगर हमने प्रिपरेशन करके रखा जैसे मैंने किया था वैसे अगर हमने रखा तो ये इजीली कुक होता है एंड तुरंत होने वाली डिश है ये। बच्चे जब स्कूल से आते हैं या फिर कभी गेस्ट आने वाले होते हैं, हमारे पास सीनियर सिटीजन्स होते हैं और हमारे खुद के लिए भी। देखिए अभी इसको मैं थोड़ा सा पानी स्प्रिंकल करना है, बस ज़्यादा वाटर इसमें रखना नहीं है। आप देख रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस रहेंगे आप पूछ सकते हैं। ऑलरेडी ये सब बॉइल्ड है, सिर्फ मैंने जो ग्रीन पीस लिए थे वो रॉ थे। देखिए अभी एक इसको स्टीम देंगे हम लोग। और उसके बाद हम लोग पाव भाजी मसाला ऐड करेंगे। हेलो एवरीवन, हाय सुषमा जी। आपको मेरी रेसिपी अगर पसंद आ रही है तो गाइज नूतन तेंदुलकर किचन करके व्हाट्सएप सॉरी फेसबुक पेज है मेरा, उस पे भी मेरे लाइव शो होते हैं, आप वहाँ पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। देखो मैंने ये ग्रीन वेजिटेबल्स में मैंने ये रॉ बनाना लिए हैं स्मैश करके एंड ये स्वीट पोटैटोज लिए हैं। ये हाई प्रोटीन की डिश है। हाई प्रोटीन की डिश है। अभी अपनी पाव भाजी की भाजी रेडी हो रही है और 2 मिनट हम वेट करेंगे। हाय अनीता जी, हाय अश्विनी जी, हाय प्रतिभा जी। तब तक हम लोग क्या करेंगे, मैं आपको एक पाव कैसे फ्राई करना है एक आइडिया बता रही हूँ। मैं गैस लगा रही हूँ और तब तक मैंने जो पाव हेलो एवरीवन, पाव भाजी चित्रा जी, पाव भाजी नाम है रेसिपी का। हेल्दी पाव भाजी है ये, स्वीट पोटैटो एंड ग्रीन रॉ बनाना से मैंने बनाई है। यस अश्विनी जी, हाई प्रोटीन की है ये। तो अभी हम पाव बेक करके लेते हैं। थैंक यू सो मच अश्विनी जी। देखो मैंने ये पाव लिए, देखो कैसे सॉफ्ट एंड फ्रेश है पाव। देखिए
आपको जितना बटर चाहिए आप उतना अप्लाई कर सकते हैं। और मैं आपको एक इजी टिप बताती हूँ, जब आपके पाव भाजी का स्वाद और भी बढ़ेगा। ओके, अभी मैंने ये अप्लाई करके लिया है, अपना पैन भी गर्म हो गया है। थोड़ा सा मस्का ले रही हूँ मैं। जी, बहुत ही टेस्टी ऐसी रेसिपी है। अभी देखो मैं क्या कर रही हूँ, मैं इसमें थोड़ा सा नमक छिड़क रही हूँ, और जो मैंने पाव भाजी मसाला लिया था वो भी इसके ऊपर एकदम, ये करने के टाइम पे आपको गैस एकदम स्लो फ्लेम पे रखना है। और आपको इस तरह से पाव फ्राई करके लेते हैं। देखिए, और देखिए अपनी पाव भाजी, देखिए, देखो है ना, एकदम होममेड एंड हेल्दी। अभी हम क्या करेंगे, देखो ये जो ग्रीन पीस मैंने लिया था वो भी एकदम मस्त फ्राई हो गया है। अभी ये जो पाव भाजी मसाला मैंने जो लिया था, मैं इसमें 2 स्पून फुल ले रही हूँ। मैं ये लास्ट में इसलिए ऐड कर रही हूँ क्योंकि उसका स्वाद बना रहे। और अभी ये जो मैंने ब्रेड एक बार टर्न ऑफ करती हूँ, देखिए ये अपनी पाव भाजी अभी रेडी हो गई है। तो 1-2 मिनट लगेंगे, क्विक होने वाली रेसिपी है गाइस, आप जरूर बनाइए। अभी जो ये अमूल का बटर है ये बहुत टेस्टी होता है, तो थोड़ा सा मैं बटर, ये मैं मस्का इसलिए ऐड कर रही हूँ बटर, क्योंकि बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी ये। नहीं लग रहा है ना, ये स्वीट पोटैटो की पाव भाजी है गाइस। अभी मैं सॉल्ट ऐड करूंगी स्वादानुसार, आप भी ऐड कीजिए। पाव भी अभी फ्राई हो गए हैं हमारे, ये बहुत टेस्टी लगेंगे पाव, ऐसे भी खा सकते हैं विदाउट वेजिटेबल। इसमें अगर आपको चाहिए तो आप और भी थोड़ा सा पानी इसमें ऐड कर सकते हैं। देखो बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। एक स्टीम लेंगे, उसके बाद हम सर्व करेंगे। हाय सुनीता जी, थैंक यू सुनीता जी। देखिए पाव भी अपने अच्छी तरीके से फ्राई हो रहे हैं, और जो मैंने पाव भाजी मसाला उसमें जो लगाया है उससे स्वाद भी बढ़ेगा। आज आप ऐसे ही मेरी इनोवेटिव क्रिएटिव रेसिपी देखते रहिए, मुझे आपका फीडबैक से मैं हैप्पी हूँ, और आप ज़रूर बनाइए। थैंक्स फॉर ऑल वॉचिंग दिस रेसिपी। आप बनाएंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। आपके पास भी अगर कुछ ऐसी इनोवेटिव रेसिपी रहेगी तो आप गाइस हमें बता दीजिए।
बहुत अच्छा लग रहा है। आप मेरी रेसिपी देख रहे हैं और अभी अपनी वेजिटेबल चलो तो अपनी पाव भाजी की जो भाजी है वो रेडी हो गई है। तो अभी हम प्लेटिंग करेंगे। पहले लेंगे पाव, बच्चों के लिए आप तुरंत बनाइए। और आपको अगर लड्डू चाहिए तो आप मुझे कॉल कीजिए, मैंने अपना नंबर दिया है। और एक थोड़ी सी स्टीम लेंगे हम लोग। तो अपनी वेजिटेबल अभी देखो कैसे एरोमा भी आ गया है ना। यस यस सुनीता जी, बहुत ही कलरफुल और ऐसे नई लगती है कि हम अलग वेजिटेबल्स यूज करके हमने ये बनाई है। आप जरूर बनाइए बच्चों के लिए। इसमें स्टिकनेस ज़्यादा होती है क्योंकि मैंने इसमें स्वीट पटैटोज इस्तेमाल किए हैं। गरम गरम पाव भाजी अभी रेडी हो रही है। थोड़ा सा गार्निशिंग करते हैं हम लोग। और विदाउट बटर तो पाव भाजी खाना मुश्किल है बहुत। सो देखिए मैंने बनाई है, आप ज़रूर बनाइए। आई होप मैंने आपकी फरमाइश पूरी की है। थैंक यू सुनीता जी। देखिए कैसे मस्त ऐसे कलर आ गया है, पाव भी रेडी है। तो गाइस हम जल्दी से जल्दी घर में बनाएंगे और आप सेंड कीजिए। और फेसबुक पेज पे और यूट्यूब चैनल पे आप सब्सक्राइब करना ना भूलिए प्लीज़। देखिए थैंक्स फॉर वॉचिंग टू और नेक्स्ट रेसिपी, अगर आपको कुछ अलग रेसिपी देखनी है तो आप बता सकते हैं। देखिए मस्त ऐसी रेसिपी रेडी हो गई है। तो
खाने के लिए रेडी है पाव भाजी। थैंक यू अमूल, थैंक्स फॉर वॉचिंग टू ऑल।